एक गड़बड़ हो गई। अभी हम पुलिस स्टेशन गए थे और वहाँ पे हमने पता किया कि पंचा चोली जा सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने बताया भाई कि जाओ मत, अभी इंडो चाइना टेंशन की वजह से वहाँ पे काफी गर्म माहौल है, अरेस्ट भी कर सकते हैं। वेलकम टू कसार देवी। लोग अपने ब्लॉग की शुरुआत करके उसका अंत करते हैं, हमने अंत से अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। तो अभी हम बैठे हुए हैं कसार देवी के ब्यूटीफुल कृपाल गेस्ट हाउस में, बिकॉज लास्ट टाइम वी वांटेड टू डू पंचा चोली, तो पंचा चोली ट्रैक नहीं कर पाए थे हम, बट इस बारी सीजन भी अच्छा है, टाइम भी अच्छा है साल का, और वी थॉट के चलो यार पंचा चोली ट्रैक कर लेते हैं इस बारी। तो हमारे इस ब्लॉग की शुरुआत हुई थी 11 नवंबर की सुबह 6 बजे, जब हम So here begins our day. Let's roll. Good morning, Delhi. Sir, we are on the way to Sama Liti. So if you remember, हमारा पहले भी vlog आया था धारचूला का, and we couldn't कंप्लीट द एंटायर ट्रैक नामी ग्लेशियर का या डारमा वैली का, दोनों में से हम कहीं पे भी नहीं जा पाए थे। तो नाउ द प्लान इज वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ दोज प्लेसेस। सामने मेरे जीतू है और साथ में हमारे अरविंद भी आ रहा है, वन ऑफ आर फ्रेंड्स। ठंड बहुत है दिल्ली में और आगे भी बहुत ज़्यादा ठंड होने का संभावना है। मेरे राइट साइड में सनराइज हो रहा है, बट आई एम इन दिल्ली, सो आई एम नॉट श्योर कि कितना अच्छा सन दिखेगा। दिल्ली के पोल्यूशन में भी इतना प्यारा सीन मेरे को देखने को मिल रहा है, वाओ। तो ऑल थ्री बाइक्स आर रेडी। तो ये हमारा अरविंद और यहाँ पे है ये प्रताप विहार का चौक, यहाँ से अब हम निकल रहे सीधे NH24 पे बीच। चलो लेट्स गो ओवर एंड आउट। मुक्तेश्वर जाके ब्रेक लेंगे, पहला ब्रेक अपना दिल्ली से डायरेक्ट मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में चाय पानी खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड चलते हैं आगे, देखते हैं क्या प्लान होता है। तो यार ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, तो हमने खाई है स्पेशल मैगी और कुल्लड़ वाली स्पेशल चाय। सुपर हीट समोसा भी खाने का मन कर रहा था लेकिन वो नहीं खा पाए हम। निकलते हैं, मैप लगा लेते हैं, हल्द्वानी के लिए अभी निकल रहे हैं पहले, क्योंकि हल्द्वानी के आगे फिर लगभग 350 टू 400 किलोमीटर के आसपास हमें और अभी ट्रैवल करना है। ग्रामर की माँ बहने कर दिए इन्होंने यहाँ पे, ठीक है यार चलते हैं। 350 किलोमीटर 370 किलोमीटर यहाँ से है और अगला ब्रेक लंच के लिए होगा अब। हाँ हर तरफ चकाचक, बिल्कुल नई रोड देखने को मिल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी इनॉग्रेशन किया गया है। और ये देखो खेत दूर दूर तक खुले खुले, बहुत ही सही राइडिंग का मज़ा आ रहा है बिकॉज ऑफ द रोड एंड बिकॉज ऑफ द वेदर ऑब्वियसली। सो फाइनली उत्तराखंड एंटर कर लिया हमने और टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं अभी। सो दिस इज़ कॉल्ड पत्थर चट्टा, जहाँ से हमने एक कट लिया, ये सीधे जो रास्ता जाता है वो बरेली की तरफ जाता है, पंतनगर बरेली, और इधर से लेफ्ट को हमने लिया है जहाँ से जंगल शुरू होते हैं। और यहाँ पे हमारे वायरलेस पे फॉरेस्ट रेंजर्स के वायरलेस कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आपको सुनाई दे रही होगी आवाज़ तो ये फॉरेस्ट रेंजर जो हैं वो बातें कर रहे हैं, समा उनका कनेक्ट हो रहा है हमारे से। तो एक चाय का ब्रेक लिया छोटा सा और अब जंगलों की तरफ चलते हैं, जंगल के बाद फिर आएंगे पहाड़।
और हम घुस गए हैं उत्तराखंड के द्वार। तो ये रास्ता सीधा जाता है हल्द्वानी, नैनीताल और अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा 118 किलोमीटर है, हमें अल्मोड़ा की तरफ से ही जाना है कपकोट के लिए, और कपकोट से लगभग 20-30 किलोमीटर आगे सामा, जहाँ पे हमारा दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहा है। उत्तराखंड के इस कुमाऊँ की एंट्री जो है नैनीताल की तरफ से, नैनीताल अल्मोड़ा, और ख़ास करके नैनीताल के आसपास काफ़ी सारे लेक्स हैं अलग अलग, जो कि काइंड ऑफ टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। वन ऑफ देम इज़ भीमताल, जहाँ की तरफ अभी हम जा रहे थे। तो ऐसा दिखता है कुछ शाम के समय में भीमताल का नज़ारा। यहाँ आपको कुमाऊँ में काफ़ी सारे लेक्स मिलेंगे, जैसे नौकुचिया ताल है, नैनीताल है, सात ताल है, शुक्र ताल है, भीम ताल है, काफ़ी सारे ऐसे कुछ आई गेस 9 या 10 है। और आगे लेक के उस तरफ में जो छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, वहाँ पे आपको होटल एंड स्टेज अच्छे मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा है वीकेंड डेस्टिनेशन, देखने में काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। बोटिंग का आप आनंद ले सकते हो, या सामने देख सकते हो कि काफ़ी सारे बोट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ राउंड अबाउट 260 किलोमीटर्स, बाकी की हमारी बटालियन भी आने ही वाली है। सुधीर आ गया, अरविंद आ गया, चलते हैं आगे की तरफ। सूर्यास्त होने को चला है, पहाड़ों पे जल्दी अंधेरा भी हो जाता है और ठंड भी लग रही है थोड़ी बहुत। खाना कुछ नहीं खाया हमने अभी तक, खाने का ब्रेक लेने का सोच रहे हैं। एंड वी वर थिंकिंग लास्ट टाइम जहाँ पे हम रुके थे वहीं पे इस बार भी रुके, क्योंकि खाना बहुत ही बढ़िया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ढूंढ नहीं पाए उस रेस्टोरेंट को। 5 किलोमीटर रह गया कैची धाम यहाँ से, और कैची धाम के बारे में हम आपको बताएंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे। पहुँच गए हम कैची, और यहाँ पर है एक बहुत ही माना जाना आश्रम कैची धाम। ये जो इसका फाउंडेशन किया गया था कैची धाम का बाय नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, और कहते हैं कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त किया था। ये देखिए ये कैची धाम, नीम करौली महाराज, और उन पर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है, बहुत मानते हैं लोग उनको। और नॉट ओनली इंडियन, आप भरोसा नहीं करोगे, इनके शरण में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, मेटावर्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग तक आए हुए हैं। मार्क जुकरबर्ग को मिलने का मौका मिला था कि नहीं नीम करौली बाबा से, लेकिन हाँ स्टीव जॉब ज़रूर मिले थे। और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, मोस्टली बाहर के लोग बहुत फॉलो करते थे, जितने इंडिया के फॉलो करते थे उतने ही उनको फॉलो करने वाले विदेशी लोग होते हैं, अभी भी हैं। तो यहाँ से निकल रहे हैं हम अभी आगे, कहीं कोई खाने के लिए हमें रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था, तो एक जगह में हमने खाना खाया जो कि अपनी मारुति ओमनी लेके आता है, और उसमें वो खाना एक पहाड़ी कॉर्नर पे उसने खाने की अपना सेटअप बना रखा था। वो एवरीडे अपने ओमनी में खाना लेके आता है, चिकन कड़ी राजमा विद राइस एंड ऑल। तो वही हमने जल्दीबाजी में खाना खाया, और आज का जो हमारा डेडलाइन है वो एज ऑलवेज नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि हमें ट्रैफिक बहुत मिला। एंड हमारा प्लान है कि आज हम कसार देवी जाके रुकेंगे। अल्मोड़ा की गोद में बसी एक बहुत खूबसूरत जगह जिसका नाम है कसार देवी। अल्मोड़ा ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, 10-15 किलोमीटर और रह गया है, बट उसके पहले लगभग 20-25 किलोमीटर का जो रोड है अल्मोड़ा से पहले का, बहुत ही ख़राब रोड है, बहुत पत्थर कंकड़ उबड़ खाबड़ टाइप का रोड है। आई डोंट नो गोप्रो में कितना नज़र आ रहा है, बट अल्मोड़ा इतनी खूबसूरत लग रही है, अल्मोड़ा सिटी पूरी पहाड़ पे बस लाइट लग रही है, ऐसा लग रहा है दिवाली की सजावट कर रखी हो पहाड़ों पे।
5 किलोमीटर रह गया कसार देवी। सारे भाई बंधु हम लोग थक गए काफ़ी और रात भी हो ही गई है। अच्छी बात ये है कि हम जहाँ पे हमेशा रुकते हैं कसार देवी में उनको हमने कॉल कर दिया था एंड रूम हमारा अरेंज हो गया है, खाना का भी इंतज़ाम हो गया है। दिस इज़ आवर टुनाइट स्टे त्रिपाल हाउस। वापस से हम पहुँच गए हैं यहाँ पे क्योंकि पिछली बार भी जब हमने कुमाऊँ की शुरुआत की थी तो फर्स्ट नाइट हमारा स्टे यहीं पे हुआ था। वी वॉन्टेड टू गो टू सामा बट कसार देवी में हमें रुकना पड़ा या कसार देवी ने हमें रोक लिया। Exactly. और ये जगह इतनी प्यारी जगह है, इतनी प्यारी जगह है कि क्या बताऊँ कितनी प्यारी जगह है। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे गेस्ट हाउसेज मिलेंगे, छोटे छोटे कैफेज मिलेंगे देखने के लिए और हर कैफे में इतना बढ़िया सेटअप है। ईच एंड एवरी कैफे हैज़ अ मैग्निफिसेंट व्यू जहाँ की आप बैठ के चिल कर सकते हो। बुक यू कैन रीड बुक्स, यू कैन हैव सिप ऑफ कॉफ़ी, यू कैन हैव एप्पल पाई एंड मेनी अदर डिफरेंट टाइप ऑफ बेकरीज आइटम जो कि काफ़ी फेमस है। वन ऑफ द प्लेसेस बाबा केक। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, आगे का क्या प्लान है वो हम आगे आपको बताएंगे। इसी के साथ हमारे इस व्लॉग का एंड होता है, बाकी की बातें बिल्कुल होंगी लेकिन अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।